हमीरपुर कांग्रेस को शनिवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब कांग्रेस सेवा दल हमीरपुर के जिला अध्यक्ष राजीव चोपड़ा कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राजीव चोपड़ा एनएसयूआई युवा कांग्रेस, जिला कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल की राज्य इकाई के पदाधिकारी रह चुके हैं। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान राजीव चोपड़ा को जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने पार्टी में शामिल किया। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। राजीव चोपड़ा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खास समर्थकों में से एक माने जाते हैं। राजीव चोपड़ा ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत काम किया है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं को उनका जिला अध्यक्ष बनना मंजूर नहीं था। इस कारण उन्हें भारी मन से कांग्रेस से छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। व्यक्तिगत कारण भी रहे हैं और मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए हमने यही सोचा कि भाजपा के साथ जुड़ा जाए। कांग्रेस में रहते हुए कुछ लोगों को हमारे से तकलीफ होती थी। जब मैं जिला का अध्यक्ष बना तब भी एक उच्च पद पर बैठे नेता को बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन फिर भी हमने पार्टी के लिए काम किया है आज तक। लेकिन इतना असहनीय हो गया कि आज हमें कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने कहा कि राजीव चोपड़ा पिछले 38 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं और वर्तमान में वे कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष हैं। उनके भाजपा में शामिल होने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। राजीव चोपड़ा जी जो 38 साल से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और सेवा दल के जिला के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कांग्रेस छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ली है। भारतीय जनता पार्टी जिला हमीरपुर प्रदेश और हमारा जो परिवार है पार्टी का, राजीव चोपड़ा जी का वहाँ स्वागत भी करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं। और चोपड़ा जी आने से पार्टी को, संगठन को और मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।